वॉक, हम लोगों ने भी यूनिटी वॉक के रूप में इसको मनाया, एक जन एकता यात्रा के रूप में, जिस तरीके से एक वातावरण समाज के बिखराव की का बनाया जा रहा है उसमें कम से कम एक अच्छा संदेश दिया जाए, यही एक प्रयास था। और कल इसका दिन सबसे उपयुक्त और अच्छा दिन था। और रही बात मुकदमे की, तो देखिए अगर भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने से अगर मुकदमे लगते हैं हमारे जो प्रतिद्वंदी को लगता है कि उनको लगाने से ऐसे मुकदमे हजारों लगे, मुझे कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जिस तरह से कल दिखा सैलाब दिखा, तो इसको कैसे आप इनकार कर रहे हैं कि इस यात्रा को लोग 2024 संक्रांत ना समझें? देखिए हम लोग को आप लोग 20-22 सालों से जिले की राजनीति में देखते हैं, और कभी भी हम लोगों ने जब भी कोई कार्यक्रम किया राजनीतिक कार्यक्रम ही किया है, राजनीति से ही जिसका समाज में कुछ अच्छा संदेश है वैसे ही जनता के लिए काम किया। और जब भी हम लोगों ने कोई भी कार्यक्रम किया तो लोग आ ही जाते हैं अमूमन जिले में, कभी भी हम लोगों के कार्यक्रम में लोगों की कमी नहीं रही है, हमारे सहयोगियों साथियों की कमी नहीं रही है, जिले भर से लोग आते हैं, कि हमारे संसदीय क्षेत्र की बात नहीं है जो हमारे। कल तो यात्रा में जब फेसबुक लाइव में शाम को हुआ तो कल यात्रा में हमारे कई लोग दिल्ली और बम्बई से चले आए सुबह की फ्लाइट पकड़ के। मैं तो आज मैंने मना कि हमने क्यों चले आए, कहे भैया हमने आपने आपका मैंने देखा सांसद जी शाम को, तो मैं चले आए सुबह यात्रा, हम भी शामिल होंगे इस यात्रा। तो अगर हम तीन चार दिन पहले हमने अगर किया होता तो न जाने तब तो यहाँ बहुत स्थिति और होती, तब क्या स्थिति होती नहीं। इस तरह के केसेस से क्या धनंजय सिंह रुक जाएंगे या बढ़ते रहेंगे? ऐसे केसेस से क्या फर्क पड़ता है यार, भारत माता की जय और वंदे मातरम, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अगर ऐसे नारों से अगर मुकदमे लग जाए तो लगाते रहे, क्या फर्क पड़ता है। बहुत शानदार सफल रही यात्रा, और पूरे जिले से कोने कोने से लोग आए, और मैं आप सब लोगों को आज इसलिए बुलाया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिस तरीके से आप लोगों ने पूरा कवरेज दिया और एक स्थान दिया उस यात्रा को, और उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और हमेशा उम्मीद करूँगा जब भी कोई इस तरीके का नेशनल प्रॉस्पेक्ट में कुछ कार्यक्रम हो तो आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, इससे जनमानस को भी अच्छा लगता है। प्रशासन ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया है आपको रात में देर शाम तक FIR दर्ज करके? नहीं, मैं तो प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। देखिए प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा था, यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा के समापन तक प्रशासन का रोल बहुत अच्छा था, जगह जगह बैरिकेडिंग थी और पुलिसिंग थी, चूंकि परमिशन लेके किया गया था, उसमें ध्वनि यंत्र की भी बात थी उसमें कि स्पीड क्या कितना है वो मैं भी आपके अखबार के माध्यम से ही जानना हूं मैं, और म्यूजिक सिस्टम था, कोई डीजे नहीं था, प्रशासन ने तो पूरा सहयोग किया था। FIR अगर करना होता, गलत अगर लग रहा था कि जैसे जिस जहाँ से FIR कराई गई कोतवाली से वहीं पे सुबह ही हो जानी चाहिए थी, फिर FIR 3 बजे FIR होने का क्या उचित था। FIR मुझे राजनीति से प्रेरित लगती है, कुछ लोग जो है जिनको ये यात्रा हजम नहीं हुई होगी, अपने कुछ कर नहीं सकते हैं, और दूसरा कोई अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में यूनिटी पूरे देश में मनाई गई, केवल जौनपुर की बात तो है नहीं, पूरे हम तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, हमारे बिहार मनाया गया, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी लखनऊ में मनाए, प्रधानमंत्री जी मना रहे, पूरे देश के सभी जगह जगह के सारे देश ने उत्सव के रूप में मनाया सरदार जी का जन्मदिन, तो यहाँ भी मना। पूरे देश में कितनी FIR हुई है, बहुत से जगह वायलेशन हुआ होगा, मान लीजिए यूनिटी रन बुलाया गया लखनऊ में मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो मुझे लगता है कि हजारों लोग वहां थे। तो आज जब ऐसे अवसरों पर जब आप बुलाते हैं किसी का, लोग आह्वान करते आने के लिए, तो उसकी लिमिट नहीं होती कितने लोग आ जाएंगे, आप असेसमेंट नहीं कर सकते हैं कभी भी। इसके पीछे कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं मेरा कि हम पॉलिटिकल हम गाड़ी लगा के लोगों को बुला रहे हैं, ये था कि आइए सब लोग एक यात्रा मार्च किया जाएगा, यूनिटी डे मनाया जाता है तो यूनिटी वॉक करते हैं, जैसे यूनिटी रन होता है उसी तरीके से हम लोगों ने इसको यूनिटी वॉक के रूप में इसको दिया, और पूरा शहर के अंदर सुबह का इसीलिए कार्यक्रम रखा गया था। हमारा कार्यक्रम सुबह 8:30 का था, जब मैं घर से कार्यक्रम के लिए निकला तो मुझसे कोतवाल ने कहा
कि सर थोड़ा लेट कर दीजिए एक घंटा आप प्रोग्राम को, वहाँ पे कुछ और राजनीतिक दलों के लोग, हम दलों का नाम नहीं लेना चाहते, को माल्यार्पण कर रहे हैं, तो थोड़ा आप एक घंटा लेट कर देंगे तो क्लैश नहीं होगा। अरे हमने कहा हम लोग यूनिटी के लिए चल रहे हैं, क्लैश की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। इसलिए हम लोगों ने 9:30 बजे यात्रा निकाली, नहीं तो ये था कि सुबह 8:30 बजे निकल के यात्रा खत्म, तब ना दुकान खुलती है ना कोई बात होता ना शहर में कोई वो। और हमने रूट मैप डिसाइड कर रखा था एक दिन पहले, SBCT, CO, CD, कोतवाल सभी को बता दिया गया था इस रूट से आएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे और कितनी भीड़ हो सकती है ये भी बता दिए थे, क्योंकि जिस तरह से लोगों के फोन आने लगे थे हमारे पास या ऑफिस में और लोग अपने से स्वतः बात करने लगे थे, मुझे लगा कि इसमें 5-6 हज़ार लोग आ सकते हैं, हमने बता दिया था। उन्होंने कहा मुझसे कितनी भीड़ हो सकती है, हमने कहा 2,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, कौन एसेस करेगा कितनी भीड़ हो सकती है, लेकिन हमें लग रहा है भीड़ हो जाएगी, ये बात हमने पहले भी कही। किस वजह से कराएगी? ध्वनि प्रदूषण फैलाने, नहीं कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं था, ना कोई डीजे था, साउंड सिस्टम था। ये था कि साउंड सिस्टम इसलिए रखा गया था कि ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, लोग माइक से बोल सके, अनुशासित रूप से चले, सबको वहां पे दिशा निर्देश देते रहा जाए। और पूरे यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, इन्हीं नारों से गूंजता रहा है पूरी यात्रा, और किसी का कोई एक व्यक्तिगत नया उसमें नारे लगे ना कोई बात रही है। राजनीतिक द्वेष की बात आप कर रहे हैं जी, मुख्यमंत्री के निशाने पर कभी हो जाते हैं आप, कभी पूर्व मुख्यमंत्री, दो दो बसपा के, सपा के, भाजपा, सब निशाने पे आप हो जाते हैं, द्वेष सबसे है तो मित्रता कहाँ है? नहीं, हमारा किसी के साथ द्वेष नहीं है। आप क्रिकेट खेलते हैं, अखिलेश यादव आपको तुरंत टारगेट कर लेते हैं, मायावती कई बार आपके खिलाफ बयान दे चुकी है शुरुआती दिनों में। नहीं नहीं, क्रिकेट खेलते तो हमारे नाम लेके कोई नहीं कहता, क्रिकेट खेलते कोई अगर किसी का वो है उसको लेके इतना गंभीर हो नहीं होना चाहिए कभी कभी कोई। किस तरह से देखते हैं चीजों को, सपा बसपा? नहीं नहीं, या लोकल, ये बहुत किसी कह तो रहा हूं, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, कोई भी राजनेता किसी भी दल का हो ऐसे अवसरों पे एक काम एक कृत्य करेगा ही नहीं। जो नासमझ होते हैं, जिनको लगता है कि हमारी जो यहाँ लोकल स्तर पे जो लोग होंगे, इनको लगता होगा कि इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है लोगों के बीच में, तो स्वयं लोगों को कभी वो नहीं कर पाते, वैसे लोगों को होगा जो जिनके दबाव में प्रशासन से FIR कराई गई। तो आज को ऐसी स्थितियां ही हैं कि बगैर सत्ताधारी के तो FIR नहीं हो पाएगी, क्यों करेगा कोई? जो प्रशासन हमको इंतजाम दे रहा हो वही प्रशासन FIR 3 बजे क्यों कर देगा? FIR करना तो सुबह कर देता, अनुमति ही नहीं देता मेरे यात्रा की, तो इसलिए हम प्रशासन को नहीं दोष दे सकते हैं। प्रशासन का कभी कभी संख्या से अधिक, हाँ, मैं भी तो कह रहा हूँ कि ऐसे 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 मौकों पे आप एसेस नहीं कर सकते कितने लोग आए, इसीलिए मैंने स्पष्ट अपने जो अनुमति मांगी थी उसमें मैंने लिखा था कि यात्रा फला जगह से प्रारंभ होगी फला जगह तक जाएगी, उसमें संख्या बल दिया ही नहीं गया था। और एक सेट प्रोफार्मा है प्रशासन का, वो जो है उसी पे लोग कर देते। आज भी कोविड के सारे नॉर्म्स के साथ परमिशन दिए जाते हैं, जबकि कोविड नॉर्म्स कहीं नहीं फॉलो किया जा रहा, कोई मास्क लगा घूम रहा है, कहीं सैनिटाइजर यूज हो रहा है। क्या लगता है कि हाथ में तिरंगा की जगह भगवा होता तो शायद FIR नहीं होती? कल तिरंगे का दिन था, शानदार तिरंगा यात्रा हुई। और सुनिए, ध्वनि प्रदूषण की जहां तक बात है, अभी देश में मेरा माटी मेरा देश एक सरकारी प्रोग्राम था, जगह जगह लोगों ने DJ बजाते हुए गांव गांव जाकर मिट्टी इकट्ठा की अमर शहीदों के उस पे जो स्थली बन रही दिल्ली में, और उसके साथ तिरंगा यात्रा लास्ट ईयर थी जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, पूरे जिले में तिरंगा यात्रा, हमने खुद कई जगह तिरंगा यात्रा का रुक रुक के स्वागत किया है, DJ बजाते हुए लोग जा रहे थे, आप बताइए कहीं पर अनुमति ली गई? ऐसे उत्सवों के अवसर पर अनुमति छोटे छोटे, मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कांवड़िया यात्रा थी जब, तो कांवड़ लोग DJ बजा के जा रहे थे, उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई DJ इस पर कोई अनुमति की जरूरत नहीं, लोग बजाए। आप पढ़ लीजिए अखबारों के माध्यम से हम लोगों ने देखा। इसी यात्रा तो ऐसे 2024 का शंखनाद माना जाए? नहीं नहीं, ये यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के याद में थी, और सबसे जरूरी बात इस बात के लिए पूरे देश में हर जगह यूनिटी रन, यूनिटी वॉक, हम लोगों ने भी यूनिटी वॉक